वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। और अब मैं तैयार हो चुकी हूँ, हम जाएंगे गुवाहाटी के फैंसी बाजार शॉपिंग के लिए, तो स्टे ट्यून्ड विद मी। और दिस इज़ माई फर्स्ट फुल व्लॉग वीडियो ऑन YouTube, तो मैं चाहती हूँ कि आप पूरा वीडियो देखें और वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या नहीं लगा और आगे आपको क्या देखना पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। धूप इतनी तेज है फिर भी हम बस में बैठ गए हैं और बस में बैठ के जा रहे हैं कि घूमने से हमें कौन रोक सकता है, चाहे धूप हो आंधी हो बारिश हो कुछ भी हो, लेकिन हम नहीं रुकेंगे, हम जाएंगे और चलेंगे और चलेंगे। जो ट्रेंडी टॉप के कलेक्शन थे ओनली 250 और 300 की रेंज में थे, काफ़ी अच्छे अच्छे टॉप थे, शर्ट और ये सब भी थे, मैंने देखा मुझे काफ़ी पसंद आए। तो ये माहौल था जब हमने एंटर किया, काफ़ी कम भीड़ थी और मैंने कुछ स्लीपर्स यहाँ पे देखे, मुझे अच्छे लगे लेकिन लेने लायक मुझे लगे नहीं। और इस तरीके के कुछ टॉप्स मैंने वहाँ पे देखे लेकिन मैंने ये भी नहीं लिए क्योंकि मैं ये सब लेने नहीं गई थी, मैं सिर्फ फैंसी मार्केट देखने गई थी और मैं फालतू खर्चा नहीं करती हूँ। इन कुर्तों के बाद मैंने देखा यहाँ पर ट्रेंडी टॉप्स के काफ़ी सारे कलेक्शन थे लेकिन ये सब क्रॉप टॉप थे और मैं इस तरीके के छोटे छोटे कपड़े पहनती नहीं हूँ तो मैंने लिए नहीं। और एक मुझे ये वाइट शर्ट था काफ़ी ज़्यादा पसंद आया लेकिन जब मैंने वहाँ इसको पहन के ट्राई किया तो मैं एकदम बकवास लग रही थी, तो मैंने ये भी लेने का प्लान अपना कैंसिल कर दिया। लेकिन अगर आप लोग जाते हैं तो काफ़ी अच्छे अच्छे कपड़े वहाँ मिलते हैं। और इस टाइप के ग्राफिक प्रिंटेड टी शर्ट्स थे, मैंने कुछ टी शर्ट्स लिए हैं, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी कि मैंने क्या क्या वहाँ से शॉपिंग की है। चलते चलते हम पहुँच गए इस मस्जिद वाली गली में जो कि फैंसी मार्केट की काफ़ी ज़्यादा फेमस है, इसको मैंने काफ़ी सारे यूट्यूब वीडियोज़ में देखा है, काफ़ी इन्फ्लुएंसर इसको बताते हैं। फिर वहाँ इस गली में आने के बाद जो है मैंने यहाँ से एक क्लॉ क्लिप, जो लॉन्ग क्लचर जिसको हम भी बोलते हैं, वो लेने लगी। काफ़ी ज़्यादा जांच पड़ताल करके टेस्ट करके मैंने अपने हेयर्स में लगा के उसको चेक भी किया कि फिट हो गया नहीं, मैंने एक क्लचर ले लिया और हुआ क्या बाद में बताऊँगी। इसके बाद मैंने जो ये स्टॉल थी यहाँ पर जो लड़कियों की काफ़ी सारी भीड़ थी, देखा तो कुछ मैं भी देखती हूँ, मैंने देखा तो यहाँ ज़ारा के टैग लगे हुए कपड़े मिल रहे थे लेकिन ये साइज़ में काफ़ी छोटे थे और मैं इस तरीके के कपड़े पहनती नहीं हूँ, जस्ट मैंने आपको वीडियो के लिए दिखाया है। अब ऐसा मत बोलना अगर मैं कभी बाद में पहनने लग जाती हूँ कि आपने पहले बोला था पहनते नहीं हो। अब चलते चलते क्या है, थोड़ा थक गए थे, गर्मी भी थी तो मैंने ये मिल्क शेक पिया एकदम ठंडा ठंडा टूटी फ्रूटी डाल के और ये सॉफ्टी आइसक्रीम खाया। मार्केट में घूमते घूमते काफ़ी थक गए थे तो मैंने लिया है मिल्क शेक। बॉडी में ठंडक आ गई तो हम यहाँ पसीने से लटपट हो चुके हैं मार्केट में। आप देख सकते हैं कि शाम का टाइम हो चुका है, हम धूप में आए थे और अभी कितनी भीड़ हो चुकी है। और हमने यहाँ से काफ़ी सारी शॉपिंग की है जो कि मैं आपको बाद में जाने के वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया है। तो यहाँ पे कुछ आसामीज़ टाइप के बैंगल्स मिल रहे थे, मैंने ये बैंगल्स चेक किए और पता नहीं क्यों मैं इन बैंगल्स को बजा के देख रही थी कैसा साउंड आता है। फिर उसके बाद मैंने एक वाइट कलर के बैंगल्स देखे जो मुझे काफ़ी अच्छे लगे और जो मेरा कैमरामैन था उसको इस लड़की के बाल अच्छे लगे तो फिजूल में उसको रिकॉर्ड कर लिया। मैं पहन के देख रही थी लेकिन हाथ इतना मोटा है कि आया नहीं। दूसरा ट्राई किया और पास में जो आंटी बैठी थी वो मुझे ऐसे देख रही थी कि यार क्या कर रही है। अब मैं चेक कर रही थी, पता नहीं कैसा लगा, आप लोग बताना कैसा लगा आपको ये, बस जस्ट शो ऑफ किया पहन के। इतना सारा मार्केट में घूमने के बाद भूख लगना तो जायज़ है तो मैं गोलगप्पे खाने लगी और यहाँ पे जो गोलगप्पे हैं एक कागज़ को इस तरीके से ट्रायंगल कोन शेप में फोल्ड करके स्टेपल करके उसके अंदर गोलगप्पा देते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारे राजस्थान में दोना जिसको हम बोलते हैं कटोरा एक कागज़ का जो आता है डिस्पोजेबल उसके अंदर ही गोलगप्पे देते हैं। गोलगप्पे टेस्टी थे एंड मैंने
काफ़ी सारे गोलगप्पे खाए, एकदम पेट भर के मज़ा आया। उसके बाद मैंने कुछ एनर्जी मिली तो ये ट्राउज़र्स देखे। ट्राउज़र्स जो 300 रुपीस की रेट में थे, काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल और अच्छे फैब्रिक के थे, लेकिन मुझे ये लेना नहीं था। मैंने यहाँ से कुछ वॉच परचेज़ की है, आप देख सकते हैं जो वॉच मैंने पहनी हुई है सेम वही वॉच मुझे फिर से पसंद आई, और इसी टाइप की मैंने कुछ वॉचेस ली हैं जो मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगी। तो या काफ़ी अच्छी और सस्ती रेट में अगर आप नई नई वॉच पहनने का शौक़ रखते हैं तो सस्ते सस्ते सामान अगर आप लेते हैं तो उसमें मैं जानती हूँ कि कोई बुराई नहीं है। और फिर मैंने यहाँ पे कुछ पर्स देखे, और इतना देखने के बाद थोड़ा लाइट वाइट ऑन हो गई थी, शाम हो गई थी। पर्स मैंने यहाँ काफ़ी सारे देखे, पर्स बहुत सुंदर सुंदर जो मिल रहे थे, 200, 250, 300, बट मैंने ये नहीं लिया क्योंकि ये तो मैं अपने वहाँ जाके भी ले सकती हूँ, यहाँ से अगर मैं इतना वज़न उठा के लेके जाऊँगी तो उसका क्या ही फ़ायदा। पर्स तो चलो अब लिया नहीं तो देख तो सकते ही हैं। मैंने एक पर्स देखा ब्लैक कलर का, मुझे पसंद आया तो बस मैं इसको ऐसे ही लगा के चेक कर रही थी, ये कुछ अपनी पागलपंती है वो मैं कर रही थी, लेकिन मुझे जो है अच्छा लगा। तो अब मैं जब आई थी तब इतना धूप हो रहा था, और अब आप देख सकते हैं कि मार्केट में जो है कितना, और हमारे भी पसीना हो चुका है और कितनी भीड़ है और एकदम नाइट हो चुकी है। चलो देखते हैं, फिर भी हमारा मन नहीं भरा है शॉपिंग करके। तो वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि मार्केट में कितनी कम भीड़ थी क्योंकि दिन था, धूप थी, और अब जब शाम हुई है तो आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पे हो चुकी है। मुझे लग रहा है ये तो दिल्ली के सरोजनी मार्केट को भी फेल करने वाला है। इसके बाद मैंने कुछ क्यूट से हेयर बैंड क्लिप्स जो देखे, ये मुझे रेट में काफ़ी थोड़ा ज़्यादा लगे तो मैंने लिया नहीं, बस आपको दिखा रही हूँ। और आप जानते हैं कि लड़कियों का ईयरिंग्स पे कितना ध्यान जाता है, स्पेशली मेरा, क्योंकि मुझे ईयरिंग्स का काफ़ी शौक है, लेकिन कुछ दिनों से जो है मैं गोल्ड ईयरिंग्स पहनना प्रेफर करती हूँ कि मेरे पास बहुत ज़्यादा ईयरिंग कलेक्शन इकट्ठा है। और मेरी मम्मी बोलती है कितना लाओगी, कितना पहनोगे, तो मैंने ये नहीं लिया, अपना मन मार के उधर ही छोड़ दिया। तो अब रात हो चुकी है, काफ़ी लेट हो रहा है, हम शॉपिंग करके घर वापस जा रहे हैं। अब अगले वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि हमने क्या क्या शॉपिंग की है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।